नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आइए देखते हैं आज की पांच बड़ी खबरों में क्या कुछ है खबर। पीएम मोदी इस महीने आ सकते हैं अयोध्या। पीएम मोदी करेंगे श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उद्घाटन को हरी झंडी दी है। बता दें अभी हाल ही में सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, बाबा साहेब को परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। मायावती ने दलित आदिवासियों पिछड़ों के मसीहा साहेब बाबा साहेब मायावती ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 81 करोड़ से अधिक गरीब सरकारी अन्न के मोहताज। गठबंधन की कमान लेना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा था कि वो सीट मांगेंगे नहीं बल्कि बांटेंगे। 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में होगी इस पर चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्यों में मजबूत पार्टी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा पानी को बनाएगी मुद्दा। 27,000 गांवों के हर घर में जल आपूर्ति शुरू हुई। 10.87 करोड़ से अधिक लोगों को मिला शुद्ध पेयजल। गांव गांव नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा किया। अखिलेश यादव के गढ़ में दहाड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। आज मैनपुरी के भोगांव में रैली करेंगे ओपी राजभर। सपा को भोगांव में चुनौती देंगे ओम प्रकाश राजभर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता रैली में होंगे शामिल। फिलहाल की आज पांच बड़ी खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।